हम यहाँ पर जो मंगलवार को कीर्तन होता है उसका लंगर क्या कहना चाहोगे मंदिर के बारे में? 17 इसके बारे में ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है और जोर से हाँ ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है और ये सबके लिए बहुत अच्छा है। ये इसका हमें मंदिर के निर्माण के लिए भी हमें मतलब इसका फायदा मिलेगा और सालासर जी के हम सारे भक्त हैं। ये मंदिर कौन सा है इसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ पर ये मंदिर? ये 79 में मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है और ये मैं हेमलता गुप्ता नाम है मेरा जी। क्या कहना चाहोगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में जी, मंदिर में लोगों की बहुत बड़ी श्रद्धा है, जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें ना सालासर जी की मूर्ति और जो भी मूर्ति अट्रैक्ट करती है, तो इससे हमें बहुत अच्छी वो मिलती है और बहुत बढ़िया इसका हो रहा है। अपील यहाँ की जनता की, पंजाब की जनता, मोहाली जनता से क्या अपील करते हो कि वो मोहाली की जनता से ये अपील करते हैं अभी सब मंदिर से जुड़े, बढ़ चढ़ के दान दे ताकि हमारा मंदिर जल्दी से जल्दी बने और दे भी रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे सेक्टर की जनता सब हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, इसीलिए हमारा मंदिर इतनी जल्दी इतना हम आगे बढ़ गए। मंदिर में देखा गया यहाँ हर हफ्ते लंगर होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर हफ्ते लंगर होता है, ये सालासर बाबा की कृपा है जी, लंगर का सिर्फ सालासर बाबा को ही जाता है, उनकी दया से ही ये लंगर शुरू हुआ है हर हफ्ते का। अब तो लोगों में इतना उत्साह हो गया कि हमारा आगे से आगे बुक रहते हैं लंगर, तो हर मंगलवार को हमारा सुंदरकांड होता है, फिर कीर्तन होता है, भंडारा होता है और उसके हमारे और भंडारे होने लग गए आजकल। मैं जयपुर से आई हूँ, मेरे को मेरा नाम किरण है, मैं जयपुर से आई हूँ। मुझे एक सम्मोहन खींच के ले आता है मंदिर में, बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैं आई, मैंने यहाँ पर देखा कीर्तन सत्संग अपने आप ही पैर उठते हुए आते हैं। आप सालासर बाबा तो जाते हैं, वैसे ही आपको सेम प्रतीत यहाँ पे हो रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सालासर बाबा जी के मेरे को गए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन यहाँ मैं दो टाइम आती हूँ, सुबह शाम दर्शन करती हूँ, बहुत अंदर से सुकून मिलता है जी। नमसूद, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे कि इस मंदिर का काम जरा चल रहा है इसलिए लोग बढ़ चढ़ के दान दें और हमारी सारी मंडली है वो घर घर जाती है, कीर्तन करती है और हमें बड़ा आनंद मिलता है और जहाँ पे हम कीर्तन करते हैं वहाँ भी बड़ा आनंद आता है उनको। और यही सबसे यही प्रार्थना है कि सारे सेक्टर वासियों से भी और मोहाली और सभी के निवासियों से भी कि बढ़ चढ़ कर दान दें ताकि ये मंदिर जल्दी से जल्दी बन सके। मेरा नाम सुमन है। क्या कहना चाहोगे मेरे को? मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर आकर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो मन को बहुत खुश रखती है। और उसके बाद बस मंदिर में आके बहुत अच्छा, हम लोगों से कहेंगे यही अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ कर दान दीजिए ताकि हमारा मंदिर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। मेरा नाम बीना गुल्ला, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे अनुभव होता है कि यहाँ पर बालाजी साक्षात है। कोई दान दे ना दे लेकिन बालाजी अपनी कृपा से ये सारा काम बनवा दें और ये महिलाएं, ये सत्संग, ये प्रेमी, इनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही प्यारे भजन बोले हैं, बालाजी कृपा करें ये खूब मंदिर बड़ा बने और हम आते रहें उनके दर्शन करते। गुप्ता जी, आप यहाँ 79 मंदिर के प्रधान हो, क्या कहना चाहोगे, क्या लोगों से अपील करना चाहोगे, उसका विस्तार बताएं। ऐसा हमारा मंदिर 2015 में जो है हमने यहाँ पर आकर मंदिर की जमीन के लिए गमाडा में एप्लीकेशन दी जो कि हमारे को 2017 में मिली। यहाँ पर जब से हमारे को मंदिर की जमीन मिली है और हम 79 के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का बहुत ही हमें साथ मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोगों की वजह से ही आज मंदिर की ज़मीन के पैसे जो हैं वो पूरे दिए गए और हमारी जो महिला संकीर्तन मंडल है इन्होंने कोरोना दौरान के अंदर भी व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे के द्वारा कीर्तन करके भी लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, जो कि पैसा इस मंदिर के निर्माण मतलब ज़मीन का जो हमारी किस्त थी वो इन महिला मंडल ने उतारी। अभी 2022 में हमने निर्णय लिया कि मंदिर निर्माण जो कार्य जो है वो शुरू करना चाहिए। इससे पहले हमने हनुमान जी की सालासर बाबे की चौकी की थी यहाँ पर, तो बाबा से प्रार्थना की थी कि 17 ट्रस्टी अगर हमारे बन जाएं तो भगवान तेरी बड़ी कृपा होगी। आज हमारे 21 ट्रस्टी जो हैं इस मंदिर के बन चुके हैं। अभी लास्ट जो ट्रस्टी बने हैं उनका नाम है बजरंग लाल,
सेक्टर 26 से उन्होंने अभी अभी दो दिन पहले ही 1 लाख रुपया जो है वो मंदिर को दान में दिया है। ऐसे अगर हमारे सहयोगी हमारे मित्र हमारे से मिलते रहें तो बहुत शीघ्र जो है ये मंदिर बन जाएगा। इस मंदिर के निर्माण के लिए हमारा जो आइडिया है वो 4 करोड़ के करीब है और ये मंदिर ट्राई सिटी के अंदर एक ऐसा मंदिर होगा जो कि देखने लायक होगा। लोग कहेंगे भी अगर आपने कोई मंदिर देखना है तो 79 का देखकर आइए। अभी हमने मार्च के अंदर बाबा सालासर का जो स्वरूप है ये मंदिर में लगाया, ये शनिवार को लगाया था तो रात को मेरे को ख्याल आया कि भाई हमने स्वरूप तो लगा दिया है, बाबा का भंडारा नहीं किया। तो मैंने कहा भी पहला भंडारा मंगलवार को मैं अपनी तरफ से करूँगा। मंगलवार को मैंने भंडारा यहाँ शुरू किया और जब मैं अंदर आकर महिला मंडल को मैंने कहा भी हमने भंडारा जो है ये मंगलवार का शुरू किया है। इस बाबा की इतनी कृपा हुई कि भी हर भंडारा मंगलवार का जो है वो बुक हो गया। सितंबर तक हमारे पास भंडारे बुक हैं। अभी भी लोग आते हैं भी आप हमारे को पहले भंडारे में हमारा नाम लिख दीजिए, पर जब तक हमारे पास भंडारा मतलब मंगलवार खाली नहीं होता तो हम 2 भंडारे तो कर लेते हैं। निर्माण की स्थिति अभी तक क्या है? निर्माण हमारा जो है बेसमेंट जो है वो तकरीबन उसकी 12-12 फुट तक दीवारें आ गई हैं, आपने देखा होगा शटरिंग हो गई है और इसके लिए हमने जो सरिया है वो भी आ गया है। हमारे पास इस समय जो RCM डलनी है उसकी हमारे पास 6 लाख की कमी है और प्रभु की कृपा हुई तो हमारा जो है वो हफ्ते के अंदर अंदर हमें ऐसी उम्मीद है कि सालासर बाबा हमें 6 लाख रुपया जहाँ से मर्जी ला के दे, ये हमारे को बाबा जो है वो 6 लाख रुपया ला के देगा और मंदिर की छत जो है। निवासियों से आपकी क्या अपील है? मोहाली निवासियों से तो मतलब बहुत उम्मीद है और उन्हीं की कृपा से जिसके पास भी हम गए हैं जिस भक्त के पास भी गए हैं सभी भक्तों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और जिसके पास जितना भी वो दे सकता है उसने दिया है। अभी परसों हमारे पास एक लेडी आई जिसके हम पिछले दिनों दान लेने के लिए गए थे तो वो कहने लगी मैं आपके घर आकर दान दूंगी, तो उसने 2000 रुपया परसों रात को मेरे घर पर आकर दिया। तो मैंने उसको कहा भी आप लाइफ मेंबर क्यों नहीं बनते, वो कहने लगे अंकल मेरे पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए। वो कहने लगी लाइफ मेंबरशिप के पैसे कितने हैं, हमने कहा 11000 रुपया लाइफ मेंबरशिप है। तो दूसरे दिन वो जल चढ़ाने के लिए आई और वो कहने लगी गुप्ता जी जब मैं मंदिर में मेरे को पता नहीं लगता बाबा कैसे मेरे को खींच के आपके मंदिर में लाता है, जब से हमने भगवान शंकर का मंदिर बनाया है और जब से बाबा सालासर यहाँ विराजमान हुए हैं साक्षात बाबा जो हैं यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं और लोग अपने आप खींचे चले आते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखते हो हर मंगलवार जो है यहाँ पर 250 से 300 लोग खाना खा कर जाते हैं और ये सब उस बाबा की कृपा है, ऐसी ही कृपा बनी रही। और मैं सेक्टर 79 निवासियों का बहुत ही आभारी हूँ जो मतलब तन मन धन से इस मंदिर को दान दे रही हैं, इस मंदिर से जुड़ रही हैं और हमें पूरी आशा है इसी प्रकार वो हमसे जुड़ते रहेंगे। ठीक है सर, आपका नाम जी? मैं सुनील सूद, वाइस प्रेसिडेंट, और 2017 से हमने ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। 2017 से ही कंस्ट्रक्शन का सारा काम मैं देखता हूँ, ऐसी मतलब भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, ऐसी कृपा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमने पहले ये कीर्तन के लिए छोटा हॉल बनाया, उसके लिए फिर बेसमेंट बना रहे हैं, बेसमेंट तकरीबन हमारी छत 8-10 दिन में डल जाएगी। और हमें हमारे सहयोग सेक्टर निवासियों का, हमारे जो मेंबर्स हैं और उनके रिलेटिव यार दोस्त सभी का सहयोग, सभी का हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि बहुत अच्छा काम थे। जितने पैसे हमें चाहिए होते हैं वो भगवान की दया से बालाजी की दया से अपने आप आ जाते हैं, कोई काम हमारा रुकता नहीं। जय श्री बालाजी। वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मंदिर सोसाइटी का और मंदिर सोसाइटी के सभी मेंबर, गुप्ता जी ने जितना उत्साह भरा है सारे ही इतने मतलब खुल दिले हैं, खुले से दान दिल से दान करते हैं, तो भगवान अपने आप पैसे भेजता रहता है और मंदिर का कार्य पूरा जल्दी पूरा होगा और बहुत भव्य मंदिर बनेगा।
जय श्री राम।